फाजिलका दे सिविल अस्पताल दे विच जिला प्रशासन वल्लों लॉयंस क्लब फाजिलका प्रयास दे सहयोग दे नाल बनाया गया पंगूड़ा। फाजिलका दे विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना अते एसडीएम रविंदर अरोड़ा वल्लों कीता गया उद्घाटन। फाजिलका दे सिविल अस्पताल दे विच पंगूड़े की स्थापना की गई है, जिस दे विच जिला प्रशासन वल्लों लॉयंस क्लब फाजिलका प्रयास का सहयोग लिता गया। फाजिलका दे सिविल अस्पताल दे विच बनाए गए इस पंगूड़े का उद्घाटन फाजिलका दे विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना अते एसडीएम रविंदर अरोड़ा वल्लों कीता गया। इस मौके ते बाल विकास विभाग के अधिकारी अते सिविल हस्पताल के अधिकारी मौजूद सन। फाजिलका दे विच पंगूड़े की स्थापना की गई है। इस मौके पर बोलते हुए फाजिलका दे विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना ने कहा कि लॉयंस क्लब फाजिलका प्रयास के सहयोग के नाल जिला प्रशासन वालों ये पंगूड़ा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह पंगूड़ा नवजात बच्चे बच्चियों नवी जिंदगी देने में सहायक होएगा। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कई बार गर्भपात के मामले सामने आते हैं, लेकिन इन पंगूड़े की स्थापना करने तो बाद यहोजे मामलों पर रोक लगेगी, बच्चों नवी जिंदगी भी प्रदान होएगी। उन्होंने इस पंगूड़े की स्थापना करवाने लिए लॉयंस क्लब फाजिलका प्रयास का धन्यवाद भी किया। इस मौके पर फाजिलका के एसडीएम रविंदर अरोड़ा वालों भी अपने विचार रखे गए। फाजिलका के सिविल अस्पताल में इस पंगूड़े की स्थापना की गई है, जिसका अज उद्घाटन विधायक नरेंद्र पाल सिंह सवना एसडीएम वालों किया गया। इस मौके पर लॉयंस क्लब के सारे मैंबर मौजूद सन, जिन्हों वालों इतने पहुँच के विधायक का स्वागत भी किया गया। अज साढ़े शहर की संस्था लॉयंस क्लब प्रयास और प्रशासन और सारिया के सहयोग नाल अज फाजिलका के सिविल होस्पिटल के बाहर पंगूड़ा स्थापित किया गया है। जो लोग कई बार छोटे जन्म होंगे जो बच्चे ज बच्चियों कित झाड़ियों जिते भी सुनसान जगह पर सुट जाते हैं, उन्हां सारयां नूं बेनती है ये जिहड़ा पंगूड़ा है, जे कोई अपने बच्चे जां बच्ची नूं जन्म हुंदे नहीं पालना चाहुंदा तां साडी बेनती है उहनूं झाड़ियां दे विच जां सुनसान जगह उहनां नूं ना सुट्टिया जावे। उहनां नूं भी जीण दा अधिकार है, जे परमात्मा ने इस जीवन ते उहनां नूं सवास दित्ते ने, उहनां दा कोई जन्म होया तां परमात्मा दे हुक्म नाल ही होया। सो मेरी सारयां नूं बेनती, जे भी कोई भी पहली गल तां इहो जी नौबत ही ना आवे, जे इहो जी भी कोई गल आउंदी है तां फिर इह जिहड़ा पंगूड़ा है उहनां छोटे बच्चियां जां बच्चियां लई है जो परिवार अपने बच्चा नहीं संभालना चाहुंदे, उह सारे अपने कोई भी जे तां अगे तों कोई नौबत इहो जी आउंदी है तां जिहड़ा अपना बच्चा इत्थे रख जाण और उस नूं उस तों बाद जिहड़ी टीम है साडी सिविल होस्पिटल दी और संस्था है जो साडा इत्थों दा चाइल्ड वैलफेयर कमेटी है जां उह सारे संभालण। वर्किंग किस तरह की होएगी, कोई पहचान लिती जाएगी या किसी तरह की गुप्त रखा जाएगा जी पहचान? देखो ये असी कोई भी किसी की पहचान बारे कोई भी ये नहीं है, साड़ी तो यही बेनती है जे कोई नहीं रखना चाहता बच्चे या बच्ची इत्थे आपका बच्चा रख दे और उसनू जिहड़ी संभालण की जिहड़ी है जिम्मेवारी है सरकार की है साड़ी संस्था की है साड़े सिविल होस्पिटल का प्रशासन है साडा चाइल्ड वैलफेयर जिहड़ी सोसाइटी है चाइल्ड वैलफेयर डिपार्टमेंट है उहदी जिम्मेवारी है। अज एक चंगा उपराला किया गया फाजिलका वासियों वास्ते भी इतने फाजिलका के गेट के उत्ते एक पंगूड़ा बनाया गया ते ओ जिवें कोई कई बच्चे छोटे कई नहीं रखना चाहते होंगे वो बाहर कई बार किधरे सिट देंगे खेतों च जां कूड़े च जां कि आसे पासे जानवर जुनवर ही उन्होंने खा जाते भी ये पंगूड़े दे विच तुसीं लिया के बच्चा जदों मर्जी चुक नहीं रखना चाहता इतने रख दे उनकी सारा काम सीक्रेट रखा जाऊगा तो ये एक वधिया उपराला किया भी ये कोई जीव हत्या ना हो। जी सर की कहना चाहोगे फिर एक बार साडे चैनल के माध्यम राय शहर वासियों को की मैसेज देना चाहोगे? असी इनकी पूरी देखभाल सरकारी होस्पिटल वालों की जानी है, एमएलए साहब वालों पूरा सहयोग रहेगा, सरकार वालों पूरा सहयोग रहेगा। असी तो परमात्मा की अरदास करते हैं भी इदा की कोई भी घटना ना वापरे
फिर भी कोई इदा की कोई आँदी है तो हॉस्पिटल नाल भी कंटैक्ट किया जाए उनकी हरेक गल सीक्रेट रखी जाऊगी जिमें कोई बाहर मिल जाता उन्होंने लिया के पंगूड़े च रखो तो हॉस्पिटल में जानकारी दो उस बंदे की पछाण गुप्त रखी जाए जी। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम नवीन जसूजा एडवोकेट, मैं चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हूँ। आज किस तरह का प्रोग्राम है? आज असी कर रहे हैं पंगूड़े की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। इन है कि वो बच्चे जेड़े अबंडन ने जिन्हों माँ बाप दसते नहीं पर पालना भी नहीं चाहते, उन्होंने हालात इस तरह के हो जाते हैं, कई बार खेतों च सुब जाते हैं, किधरे भी सुब जाते हैं, उन्होंने संभालन वास्ते असी आज एक पंगूड़े की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। उनके विच साडा मेन मोटिव यही है, सुट्टो ना सानू दिओ, और इहदे च जिहड़ा बच्चा जदों भी इस पंगूड़े च मिलेगा नाल दी नाल साडी DCPU यूनिट, CWC यूनिट और जो हॉस्पिटल का स्टाफ है उन्होंने संभाल लेंगे ताकि बच्चे का असी वेलफेयर देख सकें। जी मैम, पता किवें लगेगा जो बच्चा विच रखा जाएगा? जो बच्चा विच रखा जाएगा पंगूड़े दे ते पहला तो असी ये लिखा हुआ कि तुसी बैल वजाओ, जे बैल भी नहीं वजाएंगे तो इन्दे च सेंसर्स लगे हुए ने, वो बच्चे दे पार नाल वो सेंसर सीधा एमरजेंसी च जाएंगे ते विद इन नो टाइम असी बच्चा रिसीव कर। कैमरे वगैरह भी लगे हुए ने? कैमरा इत्थे नहीं लगे हुआ ताकि वो उनकी आइडेंटिटी क्लोज डिस्कलोज ना हो सके कि किन्ने बच्चा रखे। की मैसेज देना चाहोगे साडे चैनल दे माध्यम से? मैसेज यही देना चाहवांगे कि ये जो भी कम है रब की दया नाल किसी दे भी एहो जी मुसीबत ना आए कि उन्हूं अपना बच्चा पंगूड़ा च पाना पै जाए, पर मजबूरी के हालात जे कोई पाँदा है तो असी उन्हूं पूरा संभालांगे, उनका भविख बनावांगे। क्यों जरूरत पई है इसनूं करन दी? एक देखो गवर्नमेंट वालों भी क्या गया ऑर्डर किए गए हैं कि इन्हां च मैक्सीमम वधाया जाए इन्हूं। पंगूड़ा एक जिहड़ा पंजाब का बड़ा अच्छा चल रहा ईवेंट जिहदे च कि अगर किसी के घर कोई छोटा बेबी हों नहीं रखता तो कोई कूड़े से सुट दिता से, आप न्यूज़ पढ़ते ही या देखते हाँ, कोई डॉग्स उन्होंने बाइट कर लैंदा या अबेंडेंट पिया रह जाता, उस चीज़ में सिर्फ कर्व करने लिए पंगूड़ा एक स्कीम बनाई गई सी। स्कीम तो नहीं है, एक वैसे नाम पॉपुलर होया, अबोहर च भी अपने सेगा, फाजिलका च बड़ी नीड सी क्योंकि 3-4 आई थिंक 5 महीने पहला एक इंसीडेंट होया सी कि जिहदे च बच्चा वारिस छड़ के चले गए। चलो वो परमात्मा की आपां कह लिए मेहर सी कि किसी ने बंदे ने देख लिया तो उन्होंने लै लिया उठा लिया, अदरवाइज उस कुछ भी मिसहैपन हो सकता है। उस चीज़ में फिर एडमिनिस्ट्रेशन वालों भी एफर्ट किए गए, DPO डिपार्टमेंट वालों भी, तो असी लायंस क्लब जो प्रयास है उसकी पूरी मदद ली, मदद के नाल असी बनवाया और अज चालू हो गया जिसका कि सर हूँ तक जी थावान पर स्थापित होया जी कि महत्वपूर्ण रहा जी ये? ये मैं पिछले साल अबोहर के दो बच्चों अंदरों आए ने, मतलब मेरी तो यह विश रहेगी कि परमात्मा करे ये यूज ना होए भी सानू साढ़े सब डिवीजन के फाजिलका डिस्ट्रिक्ट योजा कोई काम ना हो जिसे कि यूज करना पवे, पर जे कि होंगे अगर असी अपने लाइफ टाइम से अगर एक बच्चे भी सेव कर लीए तो मैं कहना बड़ी वही अचीवमेंट होगी। सर इस थान से आने तो बाद बच्चे का अगे की प्रोसैस हो जाएगा? एक प्रोसैस DC साहब वालों साडे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों पूरा प्लैन तैयार किया गया जिसे एक बच्चा आएगा जिमें ही वो बैड के उत्ते रखा जाएगा इमीजिएट वो सायरन साडा दो जगह पर बजेगा, एक एमरजेंसी एक उपर दूसरे वार्ड के उतों की फस्ट एड दी जाएगी, उस तो बाद DCPO ने उन्होंने फोन किया जाएगा अगे उन्होंने एज पर एक्ट उन्होंने कितने लैके जाना है की करना वो सारा ऑलरेडी डिफाइंड है।